हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर विवेक कुमार श्रीवास्तव वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम हर जो CSIR के नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज मैंने ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का दिसंबर 2016 का जो प्रॉब्लम आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 और 36, ये चार प्रॉब्लम आए हुए हैं दिसंबर 2016 का सेक्शन बी में, राइट, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है। तो इन फोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आप देखेंगे भी कि ये चारों प्रॉब्लम बहुत ही आसान हैं। अगर आप ध्यान से कॉम्प्लेक्स, लीनियर, इन सब के और डिफरेंशियल इक्वेशन, हम रियल एनालिसिस की बात नहीं कर रहे हैं, अगर इन सबको तीन चार को आप कवर कर लेते हैं तो भी बड़े आराम से आप अप्रॉक्सीमेटली 17 प्रॉब्लम्स आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। पहला प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन नंबर 33, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और ये सीरीज दिया हुआ है पावर सीरीज, फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट जे एन स्क्वायर इज, इसमें चार ऑप्शन है, फर्स्ट इज 0, सेकेंड इज इनफाइनाइट, थर्ड इज 1 एंड डी इज 2, राइट। अब देखिए, मैं यहाँ पे जनरल लिखा हूँ कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नॉर्मली कैसे निकालते हैं। अगर कोई पावर सीरीज है, दैट इज समेशन फ्रॉम एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन जेड पे पावर एन, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इज इक्वल टू होता है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट मॉडुलो ए एन बाई ए एन प्लस 1। अब इस फॉर्मूले में देखिए, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जेड पे पावर एन है और ए एन है, राइट। तो जेड पे पावर एन है और यहाँ क्या दिया हुआ, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एन स्क्वायर को पी सपोज कर दिया, राइट। ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ जेड पे पावर पी आ जाए, जैसे जेड पे पावर एन आया है, राइट। तो एन स्क्वायर की जगह पी सपोज कर सकते हैं। अगर आप एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर, यानी पी की वैल्यू क्या होगी, 1, तो पी स्टार्ट होगा फ्रॉम 1। और अगर यहाँ n की जगह इनफाइनाइट पुट करें तो p की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी p फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट j पे पावर p लिख सकते हैं। अब इन दोनों, अगर आप पावर सीरीज को कंपेयर करें तो a n यानी a p, यहाँ a p ले लें, a p की वैल्यू क्या है, 1। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बचाएगा, जैसे a n हमें पता चल गया, लिमिट p टेंस टू इनफाइनाइट a p बाई a p प्लस 1, और a p ध्यान दीजिएगा, ए पी आपका क्या है, 1, और ए पी प्लस 1 भी क्या है, 1, राइट। तो 1/1 यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। सो ये बड़ा ही आसान प्रॉब्लम है और हर बार ऐसे ही आसान प्रॉब्लम आए हुए हैं CSIR नेट में कॉम्प्लेक्स से। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, लेट सी बी द सर्किल मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट इज ओरिएंटेड इन द काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, एक सर्किल दिया हुआ है, ये सर्किल क्या है, मॉड जेड इज इक्वल टू 3/2, यानी एक ऐसी सर्किल जिसका सेंटर क्या है, 0 है और रेडियस 3/2 है, यानी 1.5, राइट। देखिए, इस तरीके का प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने कराया है अपने लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स के, वहाँ भी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसे देख कह रहा था कि आप ये मत घबराइए कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो गए, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसे तो पहले मैंने लेक्चर्स सब कवर किए हैं कॉम्प्लेक्स के, अब उसी लेक्चर से ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इन द डायरेक्शन देन, आपसे वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, फॉर विच, ए वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछ रहा है जिसके लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए, ये इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल कह रहा है इंटीग्रल जेड प्लस 1/z² माइनस 3z+2 प्लस ए बाई जेड, यही वो ए है जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए बाई जेड माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज dz/0, राइट। और कह रहा है इसकी पूरे की वैल्यू 0 होगी, उसके लिए ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या -2 हो सकती है। तो देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड आपको बताए, एक
कासी इंटीग्रल फार्मूला लगा सकते हैं और सेकंड कासी रेसिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं। कासी रेसिड्यू थ्योरम से ही इसे यहाँ पे हम सॉल्व करें तो कासी रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 2πi और ब्रैकेट में सम ऑफ रेसिड्यूज, जो जो रेसिड्यूज होंगे। अब देखिए इसमें कौन सा पोल लाई करेगा, रेसिड्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पोल। अब पोल कौन कौन सा लाई करेगा, देखिए इसके यहाँ पे अगर इसको फैक्टराइज करेंगे और इस यहाँ देखेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद क्या क्या आएगा, जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, डिनोमिनेटर में इसका आएगा जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू और यहाँ जेड माइनस वन है, तो इन दोनों में से कौन सा, देखिए दो पोल है, एक वन और एक टू, जेड माइनस वन और एक आपका जेड माइनस टू, यानी वन और टू दो पोल है, लेकिन चूंकि रेडियस कितना है 1.5, तो कौन सा लाई करेगा, सिर्फ वन वाला ही लाई करेगा, इसमें भी और इसमें भी, तो हम दोनों का रेसिड्यू निकाल लेते हैं और सम कर देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड देखिए वो फंक्शन क्या था, इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस वन बाई, उसी को मैंने फैक्टराइज कर दिया, जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू प्लस ए बाई जेड माइनस वन। अब आप देखिए ये सर्किल क्या दिया हुआ था, मॉड जेड इक्वल टू 3/2, यानी एक ऐसी सर्किल जिसका सेंटर क्या है, जीरो और रेडियस 1.5, राइट। तो इस 1.5 में कौन कौन सा पोल लाई करेगा, एक तो वन लाई करेगा बस, टू तो लाई नहीं करेगा, वो तो आउट ऑफ सर्किल हो जाएगा, राइट। तो मैंने ये सर्किल बना दिया है, इसमें देखिए ये सर्किल है जिसका रेडियस 1.5 है, तो इसमें सिर्फ पोल वन लाई करेगा, ये दोनों में वन वन, टू लाई नहीं करेगा। तो रेसिड्यू निकाल लीजिए इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए रेसिड्यू क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू वन और क्या हो जाएगा, जेड माइनस वन पे निकालना है, जेड माइनस वन इंटू वो फंक्शन, वो फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन यही है, जेड प्लस वन बाई जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। तो ये आपका हो जाएगा जेड माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जेड प्लस वन बाई जेड माइनस टू और यहाँ पे वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन टू और वन माइनस टू, यानी माइनस वन टू बाई माइनस वन यानी माइनस टू। इस वाले के लिए भी रेसिड्यू निकाल लेते हैं, ए बाई जेड माइनस वन, इसका रेसिड्यू क्या हो जाएगा, इसको मैंने आर टू सपोज किया, लिमिट जेड टेंस टू वन जेड माइनस वन इंटू ए बाई जेड माइनस वन और जेड माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, जेड टेंस टू वन ए ही बचा तो ये ए हो जाएगा। अब उस पूरी इंटीग्रल, यही जो एफ इंटीग्रल एफ जेड डी जेड था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πi और सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यू हमने दोनों केस के लिए, इसके और इसके लिए, दोनों के लिए रेसिड्यू निकाल लिया, इसके लिए माइनस टू और इसके लिए ए, तो ये आ गया। और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ था, वहाँ पे जीरो होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए ये था वो क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ था इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो दोनों की इंटीग्रल के हमने रेसिड्यू निकाल लिए 2πi इंटू और इसका रेसिड्यू निकाल के सम कर दिया और जीरो के बराबर कर दिया, देखिए यहाँ पे जीरो के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, 2πi तो ऐसे जीरो जाएगा, तो आपका a इक्वल टू टू हो जाएगा, यानी फॉर दिस इंटीग्रल विल बी जीरो इफ a इज, इस a की जो वैल्यू पूछ रहा हो क्या है, क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान प्रॉब्लम था कासी इंटीग्रल से, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कासी रेसिड्यू थ्योरम या कासी इंटीग्रल फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्स के प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और मैंने ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी लेक्चर्स 15 लेक्चर्स हैं उन 15 लेक्चर्स को आप रिवाइज कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स के ये चार सेक्शन बी के प्रॉब्लम 100% होने ही और सेक्शन सी के भी प्रॉब्लम होने, हम सॉल्व भी करके आपको दिखाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, सपोज एफ एंड जी आर इंटायर फंक्शन, क्या कह रहा है, कह रहा है एफ और जी कैसे फंक्शन है, इंटायर फंक्शन, इंटायर फंक्शन मीन्स एनालिटिक फंक्शन, एंड जी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए डाउट यहीं से होना शुरू करता है, जी जेड नॉट इक्वल टू जीरो कब देता है दो फंक्शन के साथ, जब उसको कहीं डिनोमिनेटर में लेना होता है। अब यहीं से आपको थोड़ा सा होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होने वाला, फॉर ऑल जेड इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये जो भी जेड है, फॉर ऑल जेड विच इज एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इफ। अब देखिए अगला कंडीशन क्या दे रहा है, मॉड एफ जेड इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड जी जेड, देन वी कैन कंक्लूड दैट। देखिए दो चीज़ें यहाँ, एक तो इंटायर फंक्शन की बात किया और एक बाउंडेड की बात किया, ये दोनों कौन से थ्योरम में आते हैं, जिसमें
इंटायर फंक्शन हो और बाउंडेड हो, एक ही थ्योरम है, वो है लिवलीज थ्योरम, राइट। अब आपको लिवलीज थ्योरम देखिए कैसे लगाना, अभी मैंने कहा क्या कहा, इन दोनों को देखते हैं। लिवलीज थ्योरम क्या कहता है, लिवलीज थ्योरम कहता है इफ एफ इज इंटायर फंक्शन एंड बाउंडेड इन सम रीजन, जो भी कॉम्प्लेक्स रीजन दिया हो, देन एफ जेड इज ए कॉन्स्टेंट इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये इंटायर होगा, बाउंडेड होगा, उसी में ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पहला क्या दिया हुआ था, जो जो दिया है उसे पहले नोट डाउन करते हैं। एफ एंड जी आर इंटायर फंक्शन, एफ एंड जी आर इंटायर फंक्शन एंड जी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इससे हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं हम एफ बाई जी इज इंटायर फंक्शन। अगर दोनों फंक्शन इंटायर हैं एफ एंड जी और डिनोमिनेटर जी जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ बाई जी इज इंटायर फंक्शन, सिंपल सी बात है। अब दूसरा देखिए, एफ जेड इज लेस देन आर इक्वल टू जी जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ मॉड, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले आ सकते हैं, मॉड एफ जेड बाई जी जेड दैट इज लेस देन आर इक्वल टू वन। अब दो चीज हो गया, दो इन दोनों से क्या मिला, अभी देखिए एक बात किया था एफ बाई जी दैट इज इंटायर फंक्शन, और दूसरा क्या मिल गया, एफ बाई जी इज बाउंडेड फंक्शन। इस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है बाई लिवलीज थ्योरम। देखिए कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जिनके थ्योरम के जो आप स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पे बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लिवलीज थ्योरम है, स्क्वायर डिलेमा है, आपका ये सारे जो भी हैं उन थ्योरम्स को आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ और भी थ्योरम्स हैं जिस पे हमेशा प्रॉब्लम आता रहता है। तो ये दोनों अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या हो गया, इन दोनों से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ जी एफ जेड बाई जी जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको हमने किसी सी के बराबर कर लिया, सी फॉर सम कांस्टेंट सी। तो यहाँ से एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इंटू जी जेड, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए फॉर सम सी एफ जेड इक्वल टू सी इंटू जी जेड, कुछ लोग गलती से देखिए क्या लेगा अच्छे रहते हैं, एफ इज कांस्टेंट, राइट। देखिए हमें ऑप्टिमम जो है वो मार्किंग करनी है, एफ जीरो जीरो, एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल दिस। तो इसमें सबसे देखिए ऑप्शन क्या निकला है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर सी एस आई आर नेट में आया है और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो जो मैंने थ्योरम्स लेक्चर्स में बताए हैं क्विक रिविजन में, उन सारे थ्योरम्स को ध्यान में आप रख लीजिए, बड़े आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो इन तीन प्रॉब्लम्स में आपने देखा कि जो कि नेट में आया हुआ दिसंबर 2016 में, बड़े आराम है और सॉल्व हो जा रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, राइट। चलिए अगला एक और प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 36 बचा हुआ है उसे भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 विच इज आस्क इन सी एस आई आर दिसंबर 2016, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लेट एफ बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन मॉड जेड दैट इज लेस देन इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो गिवन बाई कन्वर्जेंट लॉरेंट सीरीज। ध्यान दीजिएगा कन्वर्जेंट लॉरेंट सीरीज की बात कर रहा है, ये लॉरेंट कन्वर्जेंट लॉरेंट सीरीज है, एन फ्रॉम माइनस इन्फाइनेट टू इन्फाइनेट ए एन जेड पे पावर एन, राइट। गिवन ऑल्सो दैट लिमिट जेड टेंस टू इन्फाइनाइट मॉड एफ जेड इज इक्वल टू इन्फाइनाइट वी कैन कंक्लूड दैट, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा है। अब ये सारी चीजें दिया हुआ है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है और कन्वर्जेंट है लॉरेंट सीरीज, राइट। और उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कंडीशन दिया हुआ है, लिमिट जेड टेंस टू इन्फाइनाइट एफ जेड इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, राइट। उसके बेसिस पे चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए माइनस एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू। सेकेंड कह रहा है ए माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन एंड ए माइनस एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन। थर्ड ऑप्शन इज ए माइनस एन इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड फोर्थ ऑप्शन दैट इज ए माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। देखिए इतनी चीजें दिया हुआ है, अब देखिए इस बेसिस पे
जो गिवन आपका कंडीशंस हैं उस बेसिस पे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहला इन तीनों को चीज़ों को हम देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ। पहला लिखा हुआ है एफ इज होलोमॉर्फिक फंक्शन, सेकेंड इट इज कन्वर्जेंट फॉर लॉरेंट सीरीज, सबसे इम्पोर्टेंट ये है लॉरेंट सीरीज। थर्ड है लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट मॉड एफ जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है, कौन सा फंक्शन कॉम्प्लेक्स में अगर जेड टेंस टू इनफाइनाइट करें तो इनफाइनाइट होगा। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। जिस पे कोई फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। अब देखिए यही इसका ट्रिकी पॉइंट है। चलिए अब लॉरेंट सीरीज को देखते हैं और लॉरेंट सीरीज में देखते हैं कब ए माइनस वन। देखिए ये सीरीज एक्चुअली क्या होता है, लॉरेंट सीरीज ये किस रीजन में डिफाइंड होता है, बाउंडेड बाई टू सर्कल्स। इन दोनों रीजन के बीच ये सर्किल सी वन और सी टू दोनों कंसेंट्रिक सर्किल है, इस रीजन के लिए डिफाइंड होता है जो बीच वाला रीजन है लॉरेंट सीरीज, राइट। तो जेड का यहाँ पे दोनों पावर आएगा पॉजिटिव और निगेटिव, इसी नाते ए पे भी माइनस एन भी आएगा और प्लस एन भी आएगा, दोनों के कोफिशियंट आएंगे। अब देखिए क्या होता है यहाँ से, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, देखिए अगर पॉजिटिव एक्सपेंड ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो ए नॉट जेड पे पावर जीरो यानी वन, ए नॉट वन पुट करेंगे ए वन जेड, टू पुट करेंगे ए टू जेड स्क्वायर, यानी लॉरेंट सीरीज में पॉजिटिव पावर जेड का और निगेटिव दोनों पावर आते हैं। अब निगेटिव में अगर आप चलिए तो ए पे माइनस वन, जेड पे माइनस वन यानी माइनस ए वन बाई जेड, ए टू पे आएंगे अगर माइनस टू रखेंगे ए माइनस टू, जेड पे माइनस टू मतलब वन बाई जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये पोल कब बनता है, पोल बनता है कुछ ही के लिए, देखिए सबके लिए नहीं बनेगा, जरूरी नहीं है कि जेड की वैल्यू जिसके लिए यहाँ पे कुछ के लिए इनफाइनाइट होगा, राइट। कुछ के लिए फाइनाइट भी होगा। तो यहाँ हम इस तरीके से देखिए ये होता है कोफिशियंट के बेसिस पे क्या क्या सिंगुलरिटीज हो सकती है, हमने पोल की बात की और भी होती है। अगर ए माइनस एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम एन, कुछ एन के लिए अगर ए माइनस एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस पॉइंट को बोलेंगे पोल, राइट। सेकेंड अगर ए एन जो अभी बताया जस्ट कि ए माइनस एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन, अगर सारे एन के लिए होता है तो होगा वो इसेंशियल सिंगुलरिटी, राइट। अगर सम एन के लिए ये होता है नॉट इक्वल टू जीरो तो उसको बोलेंगे पोल, अगर सारे एन के लिए नॉट इक्वल टू जीरो है ए एन की वैल्यू तो उसको इसेंशियल सिंगुलरिटी बोलेंगे। और अगर ए माइनस एन की वैल्यू जीरो होती है फॉर एल आर एन तो उस कंडीशन में इसे बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ये चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा है, आपके पास पहले से ही पता है क्वेश्चन में क्या है पोल, तो हमें सिर्फ पोल पे ध्यान देना है। पोल क्या होना चाहिए, ए पे पावर माइनस एन नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम एन, यही ऑप्शन हो अगर कहीं है तो हम इसे ही ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दिया है लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट मॉड एफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी किस फंक्शन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एक ऐसे पॉइंट पे जिस पे ये फंक्शन क्या है पोल है। देखिए इनफाइनाइट तभी आता है जब पोल होता है। तो आते हैं क्वेश्चन, हाँ पोल के लिए आपको मैंने बता दिया फॉर सम एन के लिए ये कंडीशन होता है ए माइनस एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए इसमें सम एन कहाँ लिखा हुआ, यही है ऑप्शन नंबर बी, इसमें लिखा हुआ है ए माइनस एन इक्वल टू जीरो एंड ए माइनस एन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, जो गलत है इसमें लिखा हुआ देखिए ए माइनस एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम एन, यही आपका ट्रिकी पॉइंट है जो पोल पे बेसिस का, और फॉर ऑल के लिए जीरो भी हो सकता है, राइट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है क्योंकि माइनस एन इक्वल टू जीरो पे क्या होना चाहिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, जबकि अपना आया क्या है पोल आया हुआ है तो ये भी नहीं हुआ, और ये नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल कह रहा है जबकि होना होता क्या है पोल, किस पे होता है सम के लिए होता है, कुछ ही पॉइंट के लिए होता है, इसमें तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने चार प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स से सॉल्व किए दिसंबर 2016 के, वो फोर प्रॉब्लम थे क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 एंड 36, मतलब 12 मार्क्स बड़े आराम से आपको गेन हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है नेट सी एस आई आर निकालने में, को रिलेट आप करना जानते हैं अपनी थ्योरी को क्वेश्चन से तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपने सिर्फ बनाई बनाई सी थ्योरी लर्न कर ली उस बेसिस पे
बहुत मुश्किल है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपने अभी आपने देखा लिवलीज थ्योरम पर कैसे प्रॉब्लम आया है, लॉरेंट सीरीज मैंने वहाँ पढ़ाया था और इसमें कितना फर्क है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ। मैंने यहाँ पे वहाँ भी आपको सिंगुलरिटीज बताई थी, वही सिंगुलरिटी यहाँ पोल आया, लेकिन उस इनफाइनाइट को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि वो पोल आ रहा है और उस पोल के बेसिस पे ये कोफिशियंट के लिए क्या कंडीशंस है, राइट। तो हमें ध्यान बस बेसिक चीज़ों पे देना और प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो जाना। चलिए फिर हम जून 2016 का भी अगले वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लेक्स के जो भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं सेक्शन बी के उसे सॉल्व करेंगे, फिर सेक्शन सी भी सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में आप कमेंट भी करें, और आपको अगर कुछ भी लगता है कि कहीं कोई चीज़ की कमी है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ों को मैंने अपलोड कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा, राइट। तो उसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेरी या भेज सकते हैं, उस क्वेरीज को मैं जल्द से जल्द आपको सेंड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।